बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बनाएंगे बारबेक्यू। तो बारबेक्यू में मैंने चिकन के पीस लिए थे, टिक्के की शेप के मैंने लिए थे। मैंने उनको मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए पहले रख दिया हुआ था। इसमें मैंने क्या ऐड किया है वो सिंपल ही है। टिक्का मसाला ऐड किया है, नमक ऐड किया है और दही ऐड करके तो इनको मिक्स करके तो फ्रिज में रख दिया हुआ था। तो अब निकाल लिया इसको फ्रिज में से। और साथ में ये चीज़ें हैं, 2 कलर की शिमला मिर्च हैं, टमाटर हैं और प्याज़ हैं। तो ये सीखे हैं तो चलें इनके साथ पहले लगाते हैं, तो फिर जाके बाहर बारबेक्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सीख लूँगी। तो इसके अंदर पहले हम शिमला मिर्च लगाएंगे, फिर एक चिकन का पीस, फिर एक टमाटर लेंगे, फिर एक टिक्का लगाएंगे, फिर हम ग्रीन पेपर लगाएंगे, फिर एक टिक्का लगाएंगे, तो फिर ऑनियन लगाएंगे। तो फिर एक टमाटर लगाएंगे, तो फिर एक टिक्का लगाएंगे। तो ये देखें हमारी ये रेडी हो गई। सेम इसी तरह हमने सारी अपनी रेडी करनी है। तो यहाँ पे लगाऊंगी पहले मैं रेड पेपर, फिर एक टिक्का लगाऊंगी। सेम उसी तरह हम लगाते जाएंगे। आज मौसम बहुत अच्छा था तो हमने कहा क्यों ना बारबेक्यू किया जाए। ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका, क्योंकि ये मौसम है इस वक्त ऐसे ही कि इतनी अच्छी हवा चल रही है बाहर और साथ में धूप भी निकली हुई है। और फिर इस ऐसे मौसम में दिल करता है कि क्यों ना कोई ऐसा किया जाए जो सब खुश हो जाएं। तो ये देखें ये भी रेडी हो गया। इस तरह मैं सारे रेडी करके रख लूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से मैंने सारी रेडी कर ली। तो जो बाकी बची हैं उनको हम बाद में जैसे जैसे ये बनती जाएंगी इनको उतार के तो फिर वो बना के ऊपर रखेंगे। तो चले बाहर लेके चलते हैं इनको। ये देखिए हमने सारी चीज़ें रेडी कर ली हैं। तो बस इसका वेट है कि जब ये कोले जल जाएंगे तो फिर हम बनाना शुरू करेंगे। ये हमने रखना शुरू कर दी है अब इसकी। माशाल्लाह से कलर कितना अच्छा लग रहा है इसका। जब इसकी एक साइड पक जाएगी फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए मौसम कितना अच्छा है बाहर का, आज धूप भी निकली हुई है और बादल भी बने हुए हैं और साथ में बारबेक्यू हो रही है। तो ये देखिए इसकी साइड चेंज की है, धुआं इतना ज़्यादा है, इसकी साइड चेंज की है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बन गए। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन रहे हैं। जब रेडी होते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारे। तो ये देखिए कितनी अच्छी रेडी हो गई है।
तो अब इसको मैं उतार के ट्रे में रखती हूँ और दोबारा इसके स्टिक के ऊपर लगा के तो उसके ऊपर रखती हूँ। तो अब इसको मैं उतारती हूँ। बिस्मिल्लाह, बहुत गर्म है। ये देखें कितने अच्छे हमारे टिक्के रेडी हो गए। आज मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा स्मोक है कि उसके नज़दीक जाया ही नहीं जा रहा। आज हमने मिलके बनाए हैं। ये देखें कितने अच्छे रेडी हो गए। अब हम अगर केचप के साथ खाना चाहें या बारबेक्यू सॉस के साथ या बंद के अंदर लगा के खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये बारबेक्यू अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ना करना भूलना। फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। दुआ में याद रखना। अभी इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।